नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज आईपीएल का मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बीच। तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग करने के लिए लखनऊ की टीम ने आमंत्रित किया, तो चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र उतरे। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पिछले मुकाबले में भी चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा किया गया, और जो ये एक्सपेरिमेंट था ये एक तरीके से असफल ही दिखा आज, क्योंकि रचिन रविंद्र जिस तरीके से इस आईपीएल सीजन में उनका प्रदर्शन रहा है, रचिन रविंद्र को स्टार्ट मिल रही है लेकिन वो उस स्टार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। हालांकि आज के मुकाबले में तो उनको स्टार्ट भी नहीं मिली है। रचिन रविंद्र आज पहली गेंद पर आउट हो गए और जीरो के स्कोर पर आउट हुए। रचिन रविंद्र का बीच का डंडा यानी मिडिल स्टंप उखाड़ दिया मोहसिन खान ने। मोहसिन खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो रचिन रविंद्र सबसे पहले आउट हुए। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने के लिए आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे के बीच एक साझेदारी होती है। अजिंक्य रहाणे अच्छे शॉट खेल रहे होते हैं, तभी ऋतुराज गायकवाड़ भी बाहर की गेंद पर एज देकर केएल राहुल के द्वारा कैच पकड़ लिया जाता है और ऋतुराज गायकवाड़ को भी जाना पड़ता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 17 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि मुंबई के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी इस मैच में जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे पर दारोमदार आ गया। अजिंक्य रहाणे भी अच्छा खेल रहे थे लेकिन अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे एक हाफ ट्रैकर बॉल थी कृणाल पांड्या की और उस पर पुल शॉट टाइप खेलना चाह रहे थे और उसके बाद वो गेंद उनके लेग स्टंप पर लगी और इस तरीके से वो भी आउट हो गए। तो इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्टार्ट रही है इस मैच में वो काफ़ी बिखरी हुई नज़र आई है। 3 विकेट जल्दी गिर गए। अब उम्मीद है रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और सीएसके के नीचे आने वाले बल्लेबाज, खासकर मोइन अली जो कि आज पहली बार चेन्नई की तरफ से खेल रहे हैं, तो इन सभी पर अब निगाहें रहेंगी किस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं और चेन्नई को एक सेफ टोटल पर ले जाने की इनकी कोशिश रहेगी। तो इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए और इस मैच से जुड़ी और लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल वन इंडिया के साथ बने रहें।